One, two, three, four. Hello, hello, one, two, one, two. Mic check, one, two, one, two, one, two. क्या दोस्तों, जरा नवाजी हाजरीन, एक शेर नजर करना चाहूंगा आपकी खड़काओ नजर में खड़काओ. वाह क्या बात है. क्या तुम तो ठहरे परदेसी के साथ क्या निभाओगे. पहली बार सुना है क्या. तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे. पंडाल में नहीं है बाथरूम लगी तो करने कहां जाओगे. ताले के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. ये मुंह पे थूक कौन फेंक रिया. ये लग रहा है. वाह वाह वाह. हो जाती है जिनको देख के, हो जाती है जिनको देख के दिल और आंखों की दावत. वेलकम मल्लिका शरावत. ओ विकी जटा स्वागत में बहुत पहले कर चुका हूं, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है. स्वागत कोई डिलीवरी है दो बार नहीं कर सकते. कर दिया कोई बात नहीं. प्रॉब्लम क्या है. यहाँ ऑलरेडी काम चल रहा है. चलो आगे बढ़ो. चलो काम चल रहा है आगे बढ़ो. ये आगे बढ़ो वाला एटीट्यूड मुझे बहुत अच्छा लगता है. जिंदगी में आगे बढ़ो या यही प्रेरित करती है बात. और जहां तक काम का सवाल है, काम चलता रहना चाहिए दोस्तों. लेकिन मुझे अच्छा लगता है दूसरे लोग काम करें और मैं सिर्फ पैसे गिनूं. क्यों ऐसा काम करना चाहते हो कि दूसरे लोग काम करें और पैसे तुम्हें आए. जी सुलभ शौचालय खोल लो अपना. देखिए दोस्तों मल्लिका जी, काम कोई भी बुरा नहीं होता, बस स्मेल बुरी होती है. शी ओके इट्स अ वेरी नाइस प्लेजर टू स्टेप ऑन अ स्टेप. वेल मैं आपके पास एक रीजन से आया था. हमारा एक संस्थान है फाइव स्टार ऑर्केस्ट्रा का, जिसके अंदर हम जो फेमस हीरोइंस होते हैं उनको गिफ्ट वगैरह कुछ देते हैं. इफ यू अलाउ मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ आपकी काइंड परमिशन से. ऑफकोर्स के लिए जरूर तालियां दोस्तों. yeah. दर्शना गिफ्ट लेके आओ भाई. दर्शना कौन है. माय वाइफ. दर्शना आ जाओ. आपके लिए क्या है. सिलाई मशीन का कवर. अभी यही अफोर्ड कर सकते थे. आपके लिए रखिए प्लीज. अरे कोई बात नहीं मुझे सिलाई नहीं आती. अरे आ जाएगी सिलाई कढ़ाई बुनाई सब आप सीख लेंगे. कवर रखी है माता रानी कृपा हुई. प्रोग्राम और बुक हो गए तो सिलाई मशीन भी दे देंगे. हार पहनाइए प्लीज. लेडीज के हाथों से हार हार पहना दीजिए प्लीज. या शॉल दीजिए. हार पहना दीजिए. दर्शना का ब्यूटी पार्लर है. बहुत अच्छा. मुझे हार क्यों पहना रहे हैं कपिल. शॉल से आपको सम्मानित करना चाहेंगे. शॉल मैडम जोरदार तालियां. फाइव स्टार ऑर्केस्ट्रा के फर्स्ट पर्सन. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. वेल हाजमे के लिए अच्छी होती है मूली. हाजमे के लिए अच्छी होती है मूली. जोरदार तालियां फिर चले चले. एक मिनट क्या था. बहुत दूर गिरा है. हेलो हेलो. ओह कपड़े में गुलाब जामुन दिया था किसी ने. ये किसने कपड़े में लपेट के गुलाब जामुन फेंका है. नेक्स्ट टाइम पीनेगा तो प्लेट में दे. कलाकार लोग का इज्जत नहीं है क्या आप लोग को. इतने बड़े कलाकार हैं चड्डा साहब. मेरे ऊपर नहीं फेंका तेरे ऊपर फेंका मोटे. मैं भी कोई ऐसी वैसी कलाकार नहीं है. जूली है मैं. जूली ए जूली है. वो तो पूरी जुलाई है. वो भी 35 दिन वाली. तो होएगी ना. इनमें 35-40 शोज कर दिए मैं. और वैसे भी अपने मेहनत का खाती है. किसी आगे हाथ नहीं फैलाती. तो फैलाने की जरूरत क्या. खुद इतना फैली हुई तू. है बात तो है. अभी गुस्सा मत करो. बाद में बताना. अभी प्रोग्राम शुरू हुआ है मेरे डार्लिंग. कोई टेंशन मत लो. ओके एक बात बता मुझे. मैं यहाँ पे पहुंच गया. तू नागिन बनी थी साथ आना चाहिए. कहाँ रह गई थी तू. रास्ते में किसी ने मेरे को एक कटोरी दूध दिया था पीने के लिए. वो पीने के लिए रुक गई. अच्छा एक तो तू पहले नागिन बनी. ऊपर से रास्ते में दूध पीने रुक जाएगी. एनाकोंडा बन जाएगी तू किस दिन. जटा साहब मल्लिका जी अभी आप बताइए ना. आपके लिए हम लोग क्या पेश करें. मतलब क्या आपके लिए सामने मतलब खिदमत में क्या पेश कर सकते हैं.
आपका नागिन डांस मुझे बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा था, बहुत अट्रैक्टिव था, सेंसुअल था। वो तो पेश कर दिया, वो हो गया ना। और क्या पेश कर सकते? पनीर टिक्का तंगड़ी के बाद दो बिरयानी पेश। पकड़ जा से एक मिनट। आज तक हमसे किसी ने इस तरह इज्जत से बात नहीं की। आप प्लीज चड्डा साहब, अभी परसों के शो में वो पड़पड़गंज में वहां पे इतना धक्के मार मार के जूते मार मार के निकाला था हमको। चलो रात गए बात गई, बिजनेस की बात करते हैं। ओके मलगा, एक 31st का न्यू ईयर का प्रोग्राम है, आपको बुकिंग करनी है, बताइए। तुम्हारा जो शो करते हो तुम, वो मल्लिका के लेवल के नहीं है। पैसे कितने देते हो तुम्हारे शो में? पैसा तो ऐसा डिपेंड करता है कलाकार टू कलाकार, मतलब आप जैसे, मतलब इतनी बड़ी कलाकार है आपको उतना नहीं मिलेगा। बड़े कलाकार को तो ज्यादा मिलता है ना, छोटे कलाकार को कम मिलता है। नहीं नहीं, हम लोग के लिए क्या इजी रहता है ना, जैसे वो लोग क्या ऐसे हवा में पैसा फेंकते, तुम ऐसा कूद के पकड़ लेती हो। वो सब नहीं करेंगे ना, पर फिर ऐसे मुंह में पकड़ के ऐसे पैसे देते तो मैं उधर से खींच लेती हूँ। लेकिन ऐसा जमीन पे ऐसे पैसा वैसा पड़ा होता है तो झुक के मैं धीरे धीरे उठाती हूँ ना, तो 3-4 हज़ार मिल जाते हैं। वो थोड़ा शराबी लोग के पैर के नीचे हाथ आता है, कभी मैं चले गए तो मल्लम लगा के हो जाते हैं। मलगा मैं आपको बता दूं, पैसे कमाने ना मुंह से पैसे निकालने की टेक्निक होती है। पार्टी है ना, क्या मुंह में पैसा ऐसा नोट डाल के डांस करते हैं ऐसा करो, ठीक है? तो आप उसमें निकालने की कोशिश करते हो, कई बार क्या होता है निकालने के चक्कर में नोट फट जाता है, 50 का नोट है, 5 उसके मुंह में रह जाता है, आपके हाथ में आता है 0। इसका एक तरीका होता है, आप 50 का नोट निकालना, कुछ नहीं करना, पार्टी ऐसे डांस कर रही है, डांस कर रही है, आप अपना हाथ यहाँ पे ले जाए उसके गले पे ऐसे दबा दे, ATM की तरह नोट बाहर आ जाता है, टेंशन नहीं होती। तो अब हम आपकी बुकिंग डन समझते हैं मलिका, कंग्रेचुलेशन, आप हमारे साथ प्रोग्राम कर रहे हैं न्यू ईयर का, चलना ताली होनी चाहिए दोस्तों, प्रोग्राम हो रहा है। हमारी दादी का आज बर्थडे मलिका, मैं चाहता हूँ कि वो आपके साथ यहाँ पे केक काटे। दादी,